राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजर रही है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में थकान महसूस नहीं हो रही है। साथ ही कहा कि बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज खराब करने के लिए खर्च किए, अब सबको सच दिखाई दे रहा है। राहुल बोले कि आरएसएस के लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा केरल के बाद इंदौर में सबसे शानदार प्रदर्शन हुआ। वहीं यात्रा के उद्देश्य पर राहुल बोले कि यात्रा मेरी तपस्या है, इससे लाभ लेना मेरी मंशा नहीं है। इसके अलावा राहुल बोले कि यात्रा बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है, अन्य मुद्दों पर बात नहीं करूंगा। वहीं राजस्थान विवाद पर भी राहुल गांधी ने कहा कि दोनों नेता कांग्रेस की संपत्ति है, गहलोत और पायलट पर विवाद नहीं है, राजस्थान में अच्छे से यात्रा सफल होगी। वहीं भाजपा में गए नेताओं पर राहुल गांधी ने कहा है कि जो पैसों से खरीदे गए उन पर विश्वास नहीं करें।